धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मैं खान खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2015 के समर्थन के लिए खड़ा हूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये इतना महत्वपूर्ण है कि सारे संसद सदस्यों ने उस पर अपनी चिंता और शंकाएं जाहिर की हैं, लेकिन एक बात ये भी सही है कि हम गति को धीमा क्यों करना चाहते हैं। हम विधान पर बात करें कि जो नए क्लॉज आए हैं, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं जो ने जिला स्तर पर जो समिति बनाई और स्मार्ट का प्रावधान उसमें किया है कि जो भी रॉयल्टी आएगी उसका एक तिहाई वहां के विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा। शायद देश में पहली बार संशोधन आया है, सरकार को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जब दूसरी बात जब की जाती है कि हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो वास्तव में बहुत सारे लोगों ने कहा है, मैं भी जियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, थोड़े समय कोल मंत्रालय में रहा हूँ, हम तमाम चाहे GSI की बात करें, जितने भी हमारे अनुसंधान के क्षेत्र माइनिंग में काम करते हैं, उस सब के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज अनुसंधान की ज़रूरत है और जो शायद देश को जानकारी नहीं है। आप तमिलनाडु से आते हैं उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं एक रेयर मिनरल्स की बात करूंगा। वहां पर सबको पता है कि दुनिया में सर्वाधिक थोरियम हमारे पास है। हम रेत की माइनिंग को गौण खनिज में मानते हैं, लेकिन जो रेयर मिनरल्स में जो तत्व निकल कर आते हैं कि एक ही मिनरल में, उस रेत में 7 प्रकार के ऐसी चीजें हैं जो आणविक ऊर्जा के काम में आती हैं। इल्मेनाइट है, लिकोजिन है, रूटाइल है, जिरकान, मोनाजाइट, सिल्मेनाइट और गॉर्नेट। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि हम किसी भी, जैसे इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो हमारे देश के लिए सबसे ज़रूरी है और दुनिया में शायद हम थोरियम की सप्लाई पूरी दुनिया को कर सकते हैं, इतने महत्वपूर्ण मिनरल के बारे में अगर हम, और पूरे दक्षिण कोस्ट पर अगर उसके बारे में सरकार ने अलग से कोई क्लॉज बनाया, तो मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि राज्य सरकार के हित सर्वोपरि हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों के रोजगार ज़रूरी हैं, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, उनको मुआवजा मिलनी चाहिए। जहां तक सवाल दूसरा केरल का तर है, जहां पर घनत्व तो ज्यादा है आबादी का, ये समस्या हो सकती है कि जब हमें जमीन की जरूरत पड़े तो वो आबादी का घनत्व तो निश्चित रूप से तकलीफ देगा। मुझे जरूरी है कि सरकार को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलकर उसका रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन कहीं उससे ज्यादा जरूरी ये भी है कि जो आणविक ऊर्जा के लिए जरूरी तत्व हैं जो वहां पर और सिर्फ वहां पर उपलब्ध है, उनमें विलंब नहीं होना चाहिए। और इस नाते अगर जो क्लॉज सरकार लेकर आई है, मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, और मैं ये भी चाहता हूं कि इन बातों को बैठकर निपटाना चाहिए और निश्चित रूप से उनकी चिंता की जानी चाहिए। लेकिन जैसे करिया मुंडा जी कह रहे थे, मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, ये सच है कि चाहे वो हमारा कोस्टल एरिया हो और चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, मिनरल्स वहीं पर है। और इसलिए कभी विस्थापन के बारे में जरूर बात करना चाहिए। आपने एक क्लॉज उसमें रखा है कि जहां अवैध खनन होगा उस पर हम 5 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर और 5 साल का के कारावास का अपना प्रावधान किया। मैं कहता हूं इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो माइनिंग एरिया है उसके हेक्टेयर की कीमत ज्यादा है। साथ में अगर आप इस क्लास को भी उसमें रख दें, यदि आदिवासी क्षेत्र के किसी व्यक्ति का की जमीन हम लेंगे सरकारी जमीन को छोड़कर, और विस्थापन में अगर हम उससे मुआवजा देना चाहें, मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान में लाऊंगा, इस क्लास को भी इसके साथ रखना चाहिए। एक तरफ अवैध खनन वालों पर जुर्माना बढ़ाया जाए, इस बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन साथ में इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए, चिंता दूर कर की जानी चाहिए कि वो जो गरीब आदिवासी है जो पहाड़ी क्षेत्र में दुर्गम जगह पर अपने जीवन यापन को करता है, उसका मुआवजा उसको उसको ज्यादा मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कैटेगरी का सवाल है, 3 कैटेगरी है, वो कैटेगरी अलग से नहीं है। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि चौथी कैटेगरी बना दी है, मैं सौगत राय जी यहां पर नहीं है, ऐसे विद्वान व्यक्ति ने भी गलत व्याख्या कर दी। वास्तव में जो क्लॉज है भाग खाम है, उसमें आणविक तरीके से जितने भी प्रकार से उपयोगी मिनरल्स है उनकी सूची है। खाम में वो है जिसमें कोयला और लिग्नाइट है, और बाद में जो अधिसूचित किया गया बॉक्साइट, डो एस, चूना पत्थर, मैग्नीज, वो खनिज जो जमीन के ऊपर दिख रहे हैं, सोना जमीन के भीतर है। मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट लूंगा उपाध्यक्ष महोदय, दोबारा आपको घंटी नहीं बजानी पड़ेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक इन खनिजों का सवाल है, जो ऊपर दिखने वाले खनिज, में बालाघाट का सांसद था, मैग्नीज साफ ऊपर दिखता है, पर नक्सलाइज्म के कारण उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, लेकिन राज्य सरकार उस बारे में जो अनावश्यक कदम करती है, इसलिए चौथी सूची बनाई गई है। मैं एक मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, चूना पत्थर निकलता है, जिनके पास में हजारों एकड़ और हेक्टेयर जमीन है, लेकिन वो उपयोग अब वो 90 साल की लीज है, हमने 50 साल का प्रावधान किया है, उनका क्या होगा, ये शंका की स्थिति है। इतने बड़े भूभाग पर रहने के बाद जो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी हमें प्रावधान करने की जरूरत है। जो चूना पत्थर चूंकि हमने अपनी सूची में रख रखा है,
अनिवार्य सूची में रख रहा है, इसके बारे में भी विचार किया जाना चाहिए। मैं चूंकि ज्वाला जी के स्टूडेंट है, माइनिंग प्लान के बारे में कहूंगा कि जो समय अवधि हम बढ़ाने जा रहे हैं 5 साल में, जब पूरा माइनिंग प्लान एग्जीक्यूट करने का अवसर आता है उसमें कम से कम 5 साल लगते हैं, और जब बाइंड अप करने का मौका है तब भी 5 साल कम से कम लगते हैं। उसमें मुझे लगता है कि इस टाइम पीरियड को कहीं ना कहीं स्पष्ट करना चाहिए कि जब समय पूरा होगा उसके 5 साल या 7 साल पहले उस माइनिंग लीज वाले को बाकायदा बताया जाना चाहिए कि आपका माइनिंग प्लान पूरा होगा, इसके पहले समय अवधि इतने में करेंगे तो ठीक होगा, वरना वो राष्ट्रीय नुकसान होगा। अंत में मैं कहूंगा कि जो राज्य सरकार की बात की गई है, लोगों का अयस्क का जिस प्रकार से राज्य सरकारों की गलती के कारण जो कम खनन हुआ है उस कारण से जो राज्य को भी नुकसान हुआ और देश को नुकसान हुआ है, और इसलिए इसे पूरे विधेयक में गति बढ़ाने का काम किया गया है कि जो अनावश्यक विलंब किया जाता है वो ना हो। मैं मंत्री से कहूंगा कि अमरकंटक जैसे भी बायोस्फीयर रिजर्व है जहां पर लोहे अयस्कों की कई बार विवाद खड़े होते हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि जो नदी के उद्गम के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं सैटेलाइट सर्वे से तय किया जाना चाहिए। और अंत में मैं कहूंगा कि सैटेलाइट सर्वे से इस क्लास को डालना चाहिए कि प्रतिवर्ष नियमित हो, ताकि सैटेलाइट सर्वे से आपको जानकारी आ सके कि वास्तव में माइनिंग प्लान में कितना लोगों ने दोहन किया है, अपने आप चित्र सामने आ जाएगा। और ये सारी शंकाएं जो हमारे मित्रों ने कही हैं, अगर सैटेलाइट सर्वे नियमित प्रतिवर्ष होगा ये क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ दिस।